नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है उनके लिए जो काफ़ी टाइम से किसी गवर्नमेंट एग्जाम BET UPSC SSC और स्टेट PSC और एनी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले हैं, दोनों के लिए। देखो, किसी भी चीज़ को टारगेट जो भी है आपका लाइफ में, कुछ भी हो, तो उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। और लिमिट जब एक्सीड हो जाए तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ का अति अच्छा नहीं होता। अब कई लोग परेशान होते हैं, मैं मतलब अक्सर लोगों से सुनता हूँ कि भैया 5 बार मेंस दे लिया या 5 बार प्री फेल हो गया, क्या तैयारी छोड़ देनी चाहिए या करनी चाहिए। देखो, कई लोगों की तो सर्कमस्टेंसेज ऐसी होती हैं कि वो छोड़ देते हैं, उनको परिवार को हेल्प करना होता है और वो अपने अलग चीज़ों में लग जाते हैं। और कई लोगों ने अलग अलग फील्ड में, लाइक वो UPSC की तैयारी कर रहे थे, उनसे UPSC नहीं हुआ या उनको उस टाइम पे नीड हो गई जॉब की, वो किसी प्राइवेट सेक्टर में घुसे और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे CGL 2024 की अगर मैं बात करूँ, लगभग आपके पास 1 साल का समय है और कई सारे लोग इसमें ओवर एज भी हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता है जो दिखाया जाता है, चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो वही होती हैं जो मतलब जनता को पसंद आए, ठीक है। आपको जो पसंद आती है वही चीज़ सर्व करी जाती है आपके सामने, क्योंकि आपको फेलियर पसंद नहीं है, आपको फेलियर देखना नहीं पसंद है। आपको वही चीज़ें जो आप चाहते हैं, लाइक कि UPSC का भौकाल, इसका भौकाल, उसका भौकाल, और सक्सेस स्टोरीज आप ज़्यादा देखना चाहते हैं, वही दिखाई जाती है। आपको पता है UPSC की तैयारी मिनिमम अगर इंडिया में बात करें तो 1 करोड़ लोग होंगे जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं, मतलब कर चुके हैं इन द सेंस 1-2 साल में उन्होंने क्विट करा है। सिलेक्शन हर साल 1000 का होना होता है, उसमें IAS कितने बनते हैं वो आपको पता होगा, 1800-900 का होता है। सेम चीज़ SSC के लिए, सेम चीज़ स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए। आपको 10 साल लग के एक सिलेक्शन हो जाता है किसी का, कि 10 साल लगे रहे और लास्ट में सेलेक्ट हो गए, उससे आप मोटिवेट हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि हम जितना देना, जैसे मान लो कि कई बार हमारी फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती, हमें परिवार को सपोर्ट करना होता है, हम सपोर्ट नहीं कर पाते, हम फिर भी तैयारी में लगे रहते कि हो जाएगा। और इन केस नहीं होता, सबका तो होना नहीं है, मैं तो विश करूंगा कि आपका हो जाए, बट अगर नहीं होता तो एक लिमिट जानो कि आप जब भी तैयारी करने आओ ना तो ये प्लान करके आओ कि इतने टाइम बाद हमें क्विट कर देना, अगर नहीं होता तो क्विट कर देना। हाँ, उस टाइम अगर आपके पास ये रहेगा ना कि आने वाले 1 साल में मुझे अगर हुआ नहीं क्विट कर दूंगा, तो ये रहेगा आप अपना 100% दे लोगे। और 100% अगर ऐसा आप मान के चलोगे कि मेरे पास 5 साल है, तो लिटरली 5 साल में बहुत कम लोग होते हैं जो 5 साल सीरियस रह पाते हैं, ठीक है। हो सकता है 4 साल आप सीरियस रहे, बर्नआउट करके लास्ट के 1 साल जब आपको एग्जाम देना हुआ, आप उस टाइम पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर 5 साल बेकार कर दिया। कई सारे लोग यूट्यूबर अच्छा बन सकते हैं, कई लोग गेमर बन सकते हैं, कई लोग इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, कई लोग कुछ और बन सकते हैं, कई लोग अच्छे टीचिंग स्किल से, कई लोगों के नेता बनने की स्किल से। और आप में से बहुत सारे लोग जो किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, वो बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे डांसर, बहुत अच्छे कुछ भी होंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें गिव अप करके मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास से होके हम ये सोच रहे थे नहीं, गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ जरूरी है मिडिल क्लास के लिए, पता है क्या, अगर आप लगातार लगे रहोगे और नहीं हुआ ना, तो आपको अपनी कैपेबिलिटी पे शक हो, और वो जो शक होता है ना ओवरऑल कैपेबिलिटी पे होता है। अगर जरूरी नहीं ना कि मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ तो मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, नहीं, मैं हो सकता पढ़ने में अच्छा हूँ, हो सकता गेम प्ले मेरा 0, मैं गेम में बहुत अच्छा हूँ, विराट कोहली वो गेम में बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता, तो इतनी मेहनत उसमें करके वो इतने बड़े इतने महान हो पाते हैं ना। आपने गवर्नमेंट एग्जाम चूज करा है, अगर आपने 1-2 अटेम्प्ट दिया, आपको आइडिया लग जाना चाहिए, ठीक है। अगर लग गया है कि आपसे होगा, अगर आपको लग रहा है कि आप परफॉर्म अच्छा कर पा रहे हो, आपने 100% दिया, उसके बाद परफॉर्म ठीक ठाक कर पा रहे हो, या आप टच कर जाओगे, आप सक्सेस मिल जाएगी आपको उस पर्टिकुलर चीज में, आप पास कर जाओगे, तब तो लगे रहो। अदरवाइज हर चीज का एक लिमिट रखो, उसके बाद आपको मतलब, मैं ये नहीं कि मेरा हो गया, मुझे, मैं चाहता हूँ किसी को जॉब ना लगे, नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि किसी का, ऐसे आदमी का एफर्ट वेस्ट ना जाए जिसने, जो इसमें अच्छा ना होकर किसी और चीज़ में बहुत अच्छा हो सकता था, ठीक है। बहुत लोग सेफ बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कुकिंग बहुत अच्छी करते होंगे, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चला सकते हैं। मोटो है लाइफ का, वो एक हैप्पी लिविंग है ना, लिविंग है, इफ़ यू आर लिविंग हैप्पीली, तो फिर क्या ही मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ना चाहिए कि आप कहाँ से। कई लोग हैं मेरे गाँव में बैठ के वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, मैं यहाँ आके हो सकता हूँ उनका 10% भी ना कमा पाऊँ। तो अलग अलग चीज़ें हैं, आपका मोटो क्या है लास्ट में, अल्टीमेट हैप्पीनेस क्या है। और गवर्नमेंट जॉब जो आपको दिखा रहे हैं लोग कि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है वैसा होता है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें भी होती है, ठीक है। आपको वो चीज़ दिखा, जैसे मेरी लाइफ में मैं अभी क्या पहन के बैठा हूँ यही आपको दिख रहा है ना, हो सकता है मैं फटी बनियान पहन के रहता हूँ घर पे, तो वो बैकग्राउंड स्टोरी आपको नहीं पता होती। आपको चीज़ें दिखाई जाती है कि गवर्नमेंट जॉब में ये वो, अच्छी चीज़ें आपको दिखा दी जाती है, जो निगेटिव चीज़ें होती है वो नहीं दिखाना चाहता कोई, लोग देखना भी नहीं चाहते ना।
वास्तविकता से हर कोई दूर भाग। तो हर चीज़ को एक लिमिट रखो। मेरा लास्ट में यही कहूँगा, कई सारी लड़कियाँ होंगी, लड़के होंगे जिनको शादी भी प्रेशर मतलब प्रेशर आ रहा होगा, फैमिली का प्रेशर आना भी लाजमी है, आना चाहिए। तो आप लोग एक लिमिट कर दो कि भैया एक अटेम्प्ट है। अगर एक साल के अंदर आपके पास एक साल का टाइम नहीं है तो सीजीएल के पीछे नहीं, जो बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे बैंक के आ रहे हैं वगैरह, उस पर स्विच करके निकाल लो। एक बार फाइनेंशियली स्टेबल हो गया आप, उसके बाद दे लेना। अगर आपको लग रहा है कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है, गो फॉर इट, दे लो अच्छे से। उसके बाद फिर नहीं कि इसके रिग्रेट में नहीं, आपने 100% दे लिया, नहीं हुई कोई चीज़ कोई बात नहीं, आप किसी और चीज़ में बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि मैं आज 3-4 लोगों से ऐसे बात हुई, मतलब मेरी तो रेगुलर बात होती रहती लोगों से, उनमें यही पता चला कि उनका लास्ट अटेम्प्ट है या 5 साल से तैयारी कर रहे। तो इतना टाइम अपना बेकार ना करो किसी भी चीज़ के पीछे, ठीक है? वो रिश्ता हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। बस बाकी मुझे ब्रेक चाहिए था थोड़े टाइम से, यूट्यूब सही नहीं चल रहा, तो दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई, वो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम से जरूर जुड़े। फिर से हम नए सिरे से शुरुआत करने वाले हैं सारी चीज़ों की, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, और जो भी अगर आप क्विट करते हैं या जो भी, बेस्ट विशेष रहेंगे उस फेज के लिए भी।